आगे बढ़ते हैं। आरसीए चुनाव पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान आया। उन्होंने कहा कि आरसीए में जो कुछ हुआ वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से आरसीए चुनाव में नेता आपस में उलझे, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। वैभव गहलोत और रामेश्वर डूडी दोनों ही कांग्रेस के नेता, आपस में बैठकर बात करनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कल जो घटनाक्रम हुआ है वो दुखद है, इससे दूसरी पार्टी को आलोचना करने का मौका मिलता है। जो घटनाक्रम कल हुआ है उससे हमारे विरोधियों को मौका मिलेगा। दोनों उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं, उपचुनाव में कोई नकारात्मक फर्क ना पड़े इसकी उम्मीद करता हूं। तो आरसीए चुनाव पर उप मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की और कहा कि आरसीए के चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ है वो बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरीके से वैभव गहलोत और रामेश्वर डूडी दोनों ही कांग्रेस के नेता, इनको मिल बैठकर बातचीत को सुलझाना चाहिए था। जो हुआ है उसकी वजह से विरोधियों को, विपक्षियों को बोलने का मौका मिलता है, सवाल उठाने का मौका मिलता है। जरूरी यह था कि दोनों ही नेता आपस में बैठते, मामले को सुलझाते। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूं और मुख्यमंत्री जी के पुत्र वैभव गहलोत जी भी कांग्रेस के नेता हैं, डूडी साहब भी कांग्रेस के नेता हैं, तो दोनों व्यक्ति अगर या दोनों पक्ष बैठ के बात करते हैं। और जो कल जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, मैंने कहा वो दुखद है, वो नहीं होना चाहिए था। चाहे वो बल प्रयोग की बात हो या जो मीडिया में खबरें सामने आई, उससे हमारे विरोधियों को आलोचना करने का मौका मिल जाता है, तो वो अवॉइडेबल था, रिग्रेटेबल है। लेकिन आज सब शांति से होगा और चुनाव संपन्न हो, पारदर्शिता से चुनाव हो, नियम कायदे के कानून के अंतर्गत चुनाव हो। और हमारा उद्देश्य ये है कि राजस्थान में क्रिकेट बेहतर आगे बढ़े, और क्रिकेट तो हमेशा से एक जेंटलमैन्स गेम रहा है, तो इसी प्रकार होना चाहिए। संगठन नसीहत तो देगा, बयान से उपचुनाव पर कुछ असर होगा, जाट लामबंद हो रहे हैं कि जिस तरह से जाटों को इग्नोर किया। मैंने कहा जो कल घटनाक्रम हुआ उससे हमारे विरोधियों को मौका मिलेगा हमारी आलोचना करने का, और आने वाले जो दो विधानसभा के उपचुनाव हैं बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।